हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का मराठी का चैप्टर 12, बोलावे कैसे, मतलब कैसे बोलना चाहिए, ये लेसन का नाम है। तो आज हम यही चैप्टर करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 12, बोलावे कसे। पहा बाचा, देखो और पढ़ो। प्रसंग पहला यानी सीन 1। देखो जब आपके बुक्स में भी प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है ना प्ले 1, प्ले 2, सॉरी सीन 1, सीन 2, सीन 3, वैसे ही यहाँ पर भी हमको दिया है प्रसंग पहला सीन 1। तो एके दिवशी संजू फोन कर तो तेवरिया तिथे अंजू येते। एक दिन क्या होता है, जो संजू है वो फोन करता रहता है तेवरिया, तेवरिया मतलब इतनी देर में, तिथे मतलब वहां पर, अंजू येते, येते मतलब आना। हेलो काका, मी संजू बोलतोय। तो जब ये बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, हेलो काका, मैं क्या, आप कौन बोल रहा हूँ, मैं संजू बोल रहा हूँ। आप भी ऐसे फोन पे उठा के बात करते हो ना, हेलो, अगर जब आप किसी को फोन करते हो तो क्या बोलते हो, हेलो मैं ये बोल रही हूँ। फिर ओहो हाँ, चुकीचा नंबर लगला है। तो बोलते कि अरे ये तो क्या है, रॉन्ग नंबर लग गया है, चुकीचा नंबर मतलब रॉन्ग नंबर लगा है। संजू झटकन फोन ठेव तो, फिर क्या करता है संजू, जल्दी से फोन है वो रख देता है। देन संजू तू चुकीचा नंबर लावला होतास, त्यामुळे तू त्या व्यक्तीला मला माफ करा, चुकून तुमचा नंबर लागला असं नम्रपणे म्हणायला हवं होतंस। तो वो क्या बोलते है कि वो जो उसकी फ्रेंड है अंजू, वो उसको क्या बोलती है, संजू तू चुकीचा नंबर लावला होतास, तूने रॉन्ग नंबर लगाया था, त्यामुळे तू त्या व्यक्तीला, तो इसलिए तुम्हें उस व्यक्ति को मला माफ करा, मतलब मुझे माफ करो, चुकून तुमचा नंबर लागला, मुझे माफ करो, गलती से आपका नंबर लग गया, असं नम्रपणे म्हणायला हवं होतंस, असे पोलाइटली बोलना चाहिए था। ना प्रसंग दुसरा, बस मध्ये खूप गर्दी। बस में क्या थी बच्चों, बहुत गर्दी थी। शेजारी एक आजी उभ्या होत आहे, देखो बाजू में है ना, ये आप दिख रही है आपको एक आजी यानी ग्रैंडमा, दादी, उभ्या मतलब खड़ी, तो एक आजी उभ्या आहेत। दिनेश एका जागेवर बसला आहे, ये है दिनेश, वो एक जगह बैठा है, दिख रहे हैं ना आपको। फिर उसके बाद में आजी उभ्या असलेल्या दिनेशला दिसताच तो आपल्या जागेवरून उठतो। अब दिनेश को पता चलता है, वो देखता है कि जो आजी है वो क्या है, खड़ी है, तो ये देखकर वो अपनी जगह से उठता है। आजी तुम्ही या जागेवर बसा, और वो अपनी सीट वो आजी को बैठने के लिए दे देता है। आजी दिनेशच्या जागेवर बसतात, आजी है वो दिनेश की जगह पर बैठ जाती है। किती गुणी मुलगा हैस तू, तू कितना अच्छा बच्चा है, तुझ में कितने गुण है। आजी वृद्ध व्यक्ति ना बस रेलवे मध्ये बसण्यास जागा देना हे सर्वाचे कर्तव्य चाहे। तो जो दिनेश है वो क्या बोलते है, आजी दादी वृद्ध व्यक्ति ना मतलब जो ओल्ड लोग रहते हैं उनको बस में और ट्रेन रेलवे मध्ये मतलब ट्रेन में बैठने के लिए जगह देना ही चाहिए, ये सबका हमारा क्या है, कर्तव्य है। आजी दिनेश करे कौतुकाने पाहतच राहिल्या, आजी है वो दिनेश की तरफ बहुत
कौतुक से देखती ही रह गई। बच्चों अब हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम कर लेते हैं मीनिंग्स। नम्रपणा मीन्स लीनता, मॉडेस्टी ह्यूमिलिटी, माफ करा क्षमा करा एक्सक्यूज मी और पार्डन मी। देन गुणी मतलब चांगल्या स्वभावाचा गुड नेचर्ड, वृद्ध यानी महातार्या व्यक्ति ओल्ड एजेड पर्सन, कर्तव्य जवाबदारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अशा वेळी तुम्ही काय कराल ते लिया, ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे ये आपको बताना है। फर्स्ट इज तुम्ही प्रवास करताना एखादी वृद्ध व्यक्ति बस मध्ये उभी आहे। तुम जब बस में ट्रेवल कर रहे हो तो एक वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा पर्सन बस में खड़ा है, तो तुम क्या करोगे। मी बस मधून प्रवास करीत असताना वृद्ध व्यक्ति उभी असेल तर मी उठून माझ्या जागेवर तिला नम्रपणे बसायला देईन। लहान मुलं कडेवर घेऊन एक काकू बस मध्ये उभ्या आहेत, मी काकूंना बसायला जागा देईन। तुमच्या घरच्या फोनवर अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला आहे, मी त्याला कोण हवे आहे ते विचारीन आणि त्याच्या चुकीचा नंबर लागला आहे हे सौजन्याने सांगेन। एखादी अनोळखी व्यक्ती मतलब अननोन पर्सन स्ट्रेंजर पत्ता शोधत तुमच्या घरी आली आहे। एक अनोळखी व्यक्ती तुम्हारे घर पे ऍड्रेस ढूंढते हुए आ गई, मी त्याला संपूर्ण पत्ता विचारीन व जर पत्ता मला माहित असेल तर त्या बाबत त्याला नम्रपणे मार्गदर्शन करीन। नेक्स्ट तुमच्या शाळेतील एखादा अपंग विद्यार्थी तुमच्या घराजवळ राहतो। अपंग मतलब बच्चों होता है हैंडीकैप। दररोज शाळेत जाताना व येताना मी त्याला माझ्या सोबत घेऊन जाईन व खूप आस्थेने त्याच्याशी वागेन। विरुद्धार्थी शब्द लिहा यानी अपोजिट्स लिखो। पलीकडून अलीकडून समोर पाठीमागे, नम्रपणा उद्धटपणा, गुणी अवगुणी गुणी अवगुणी, वृद्ध तरुण, मोठ्या छोट्या, उठतो बसतो, खूप कमी। अब तो या ती लिहो लिहा। तो मुलगा ती मुलगी, तो महातारा तो आजोबा तो बाबा एन तो उभा, ती मुलगी ती महातारी ती आजी ती आई ती उभी। ओके नाउ नेक्स्ट इज पुढील रकाने वाचा व शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। व्यक्ती वस्तू ठिकाण वाहन आणि गुण। अंजू संजू दिनेश आजी, घर फोन बस रेल्वे नम्रपणा। तो व्यक्ती वस्तू प्राणी किंवा गुण यांच्या नावांना नाम असे म्हणतात। जो भी हमने पढ़ा है ना नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो अभी यहाँ पे हमको पूछा है पुढील वाक्यातील नामे ओळखा त्यात खाली रेग ओढा यानी कि उनको अंडरलाइन करो। हेलो काका मी संजू बोलतोय, तो काका एंड संजू। आजी या जागेवर तुम्ही बसा, आजी आणि जागेवर। दिनेश हा गुणी मुलगा आहे, मुलगा आणि दिनेश।
फिर इन द ब्लँक्स विथ नेमिंग वर्ड्स. पुढील वाक्यात योग्य नाम ही लिहा. डैश हा माझा जीवलग मित्र आहे. दिनेश आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो. माझा दफ्तरात, दफ्तरात मतलब बैग, स्कूल बैग, डैश 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 या वस्तु आहेत. तो आपके स्कूल बैग में क्या क्या चीजें होती हैं? पुस्तके, वया मतलब नोटबुक, पेन या वस्तु आहेत. आप और कुछ भी आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं. पुढील गोलातील शब्दांना शेजारच्या माळेतील योग्य मणी लावा. नवीन शब्द तैयार करा. देखो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, अभी यहाँ पर जो माला है उसमें से उस वर्ड्स की मीनिंग्स मणी लेना है, मतलब मोती को लेकर यहाँ पे हमारा जो न्यू वर्ड्स है वो बनाना है. तो फर्स्ट मायालू, मायालू. कष्ट, कष्टाळू. गोड, गोडवा. लहानपण, लहानपण. चपळ, चपळाई, चपळाई. मोठेपण, मोठेपण. तो बच्चों इसी के साथ में हमने जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि है अनुभव. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. और अगर वीडियोस पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के साथ.